फील्डों में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शहीद होते हैं, प्राणों की आहुति देते हैं, तो हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों को समाधान किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर नहीं होगा तो न्याय के लिए हम लोग विरोध जताने के लिए, जो आपकी सुशासन की सरकार है, सुशासन सरकार में जब मेरा योगदान है, हमारी पीड़ा को नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग काला बीला लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज, में हूँ आपके साथ निकमर। बिहार पुलिस एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस दौरान जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पे बात नहीं सुनी जाती है। तबादला जब किसी भी अधिकारी का होता है तो बिना किसी कारण के कर दिया जाता है, और भी तमाम मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर जो बिहार पुलिस एसोसिएशन की मांग है, साफ तौर पर जो अध्यक्ष एसोसिएशन के मृत्युंजय कुमार सिंह है, उन्होंने साफ तौर पे जो सरकार की नीति है, जो कि पुलिस मुख्यालय में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, बात नहीं सुनी जाती है, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, आए आपको सुनाते हैं। तंदार का तबादला हो जाता है, भोजपुर जिला किया जाता है, और तबादला किया जाता है, जाके हमसे फोन से बातें हुई, बोले कि मैं क्या करूँ, कहने की जो बड़े अधिकारियों में क्यों पीछे जाते हैं, जाके अरेंजमेंट कीजिए। अब पुनः बाद में उनका तबादला को निरस्त किया जाता है कि नहीं, ये तबादला मतलब कि उनका समय नहीं पूरा था। तब तो उसी तरह कितने लोगों का समय नहीं पूरा, निरस्त करना चाहिए मुख्यालय को एक व्यक्ति विशेष के क्यों? नियम तो कानून सबके लिए है। ये स्थिति बन गई है कि तबादले के मेडिकल ग्राउंड को जो दिया गया है वो स्थिति है, जिसका सेवा काल 2 साल रहता है। हमारे आपको कागज देखिएगा, उस सेवा काल के अभियानंद जी जो DGP साहब थे, अभियानंद जी निकाला था जिनका सेवा काल 2 साल रहेगा, जो 6 महीना पहले आवेदन देंगे और आवेदन के बाद 6 महीने के बाद उनका 2 साल जहां जहां देंगे उनका तबादला किया जाएगा, उसका अनुपालन नहीं, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं। ये ऐसी ACP के लिए किया जाता है, उसके लिए नहीं। 39वां महाधिवेशन हम लोग का हुआ था, 39वां महाधिवेशन में पुलिस हमारा एसोसिएशन के जो सर्वशक्तिमान है उसमें कई प्रस्ताव पारित किया गया था, उस मांगों को सरकार के पास मुख्यालय के पास हम लोग रखे थे, उस पर कोई विचार नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी बातों को सुनना आपका कर्तव्य है, आप बैठे, हमारी उचित मांग है, नैतिक मांग है, आप सुनिए, समाधान कीजिए। हम लोग आज के डेट में क्या स्थिति है, जो कार्यकाल हम लोग जो 3 साल का था 4 साल किया गया, हमारा संविधान से संगठन चलता है, देश चलता है संविधान से, हमारा पास भी हमारा संविधान है, उसको अभी तक आदेश निर्गत नहीं किया गया। ये संघ भवन के बनाने के लिए बार बार दिया जा 10 बार पत्राचार किया गया, नहीं किया गया। ये स्थिति है, जिले के जो SP हैं हमारे पधारक जाते हैं, पधारों के बातों को सुनने के नहीं तैयार हैं, पुलिस मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो सुनने के लोग नहीं तैयार हैं। हमारे केंद्रीय पधारक सब जब सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, केंद्रीय पधारक का तबादला एक संयुक्त सचिव का औरंगाबाद कर दिया जाता है, एक का उपाध्यक्ष का आरा भोजपुर कर दिया जाता है, एक का दरभंगा। ये संघ को तोड़ने समाप्त करने की प्रवृत्ति पुलिस मुख्यालय कर रही है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि सारे मुद्दों को आप देखें, सारे मुद्दे हमारे जो उचित मांग है, नैतिक मांग है, उस पर पुलिस मुख्यालय को गाइडलाइन दे, निर्देशित करे कि संघ के जो जाते हैं पाधारक उनसे पुलिस मुख्यालय का कर्तव्य बढ़ता करे, उनकी बातों को सुने, उचित मांगों को सुने और समाधान करे। अब गलत ढंग से हस्तांतरण करके और आदेश निकाला जाता है कि आप आज आपका इस डेट से विधिवत किया गया है और नहीं जाइएगा तब PHO कर दिया जाएगा, तबादला के किया था और नहीं गए अगर मेडिकल ग्राउंड है, बीमार है, वेतन को रोक दिया जाता है। ये स्थिति बन गई है, ये स्थिति कैसे होगी? ये तानाशाही तो प्रवृत्ति है, लोकतंत्र में तानाशाही का कहीं स्थान नहीं है। हम आपके अंग हैं, हमारे परिवार के आप मुखिया हैं, आपका कर्तव्य है मेरी बातों को सुनना। मैं नहीं कहता हूँ गलत, मैं कहता हूँ गलत चीज़ों को सुने, लेकिन जो सही है उसको कीजिए, सुनिएगा। ये कहीं कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, वो सुनने के नहीं तैयार है, सब आप लोगों को बुलाया गया है। कई ऐसे मुद्दे हैं, इस वार्ता में मैं लिखा हूँ, उसमें सारे चीज़ हैं जो पीड़ित हैं उनके बारे में जो लिखा गया है, वो सारा चीज़ आपको देख लीजिएगा। हम लोग आज के डेट में पुलिसकर्मी की क्या स्थिति है, कैशलेस कार्ड की मांग हम लोग किए थे, वेतन कमेटी के जो राहुल जी थे, राहुल जी बोला कि नहीं जरूरी है कैशलेस कार्ड पुलिसकर्मी का होना चाहिए, सरकार के सारे कर्मी या पुलिस का कार्ड अलग अलग है, उन्होंने बोला कि कैशलेस कार्ड की जरूरत है, उन्होंने भेजा, वो पेंडिंग है। पुलिसकर्मी का क्या होता है, बराबर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो जाते हैं, कर्तव्य उनका है अपराधियों से लड़ना, झगड़ना, करना, इलाज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है,
पैसा निकालने के लिए उसका जूता का एड़ी घिस जाता है, फाइल के फाइल चक्कर लगाना पड़ता है। ये किसका काम है? ये पुलिस मुख्यालय कर्तव्य की देखे, उनके कर्मी हैं, परिवार के मुखिया हैं, पैसा निकालने के लिए उनको परेशानी उठानी पड़ती है। एक अक्ष रसीद, वो रसीद, वो फाइल में वो लिखना लगा लगा के, ये किसका काम है? कैशलेस कार्ड का मांग है, कैशलेस का कहीं प्रस्ताव नहीं पड़ता है। कल्याण कोष की बैठक, वो भी नहीं हो रही है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर आपका प्रेस वार्ता में लिखा गया है। मैं मांग करता हूँ पुलिस मुख्यालय से कि हमारी बातों को सुना जाए, जो हमारी उचित बात है, न्यायोचित बात है, आप उसको सुनिए। जब बिहार पुलिस स्टेशन सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, ये अपने सदस्यों की, बिहार के सदस्यों की पीड़ा को लेकर जब आपके पास जाता है, आप निर्धारित समय कीजिए। निर्धारित समय मांगा जाता है, नहीं देते हैं, मिलने के लिए समय नहीं है, ये कैसे ऐसे थोड़े चलेगा? ये तो उचित किसी तरह नहीं है। इसलिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि आप हमारी बातों को ध्यान देते हुए, मैं आपका अंग हूँ, हमारे बिहार के आप मुखिया हैं, अब मैं आपके साथ हूँ। बिहार में सुशासन की अगर सरकार की पूरे देश में अगर चर्चा होती है, तो ये चर्चाएँ का श्रेय हमारे सदस्यों की है। बड़ी अधिकारी दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन जाके फील्डों में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शहीद होते हैं, प्राणों की आहुति देते हैं, तो हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों को समाधान किया जाए। अगर नहीं समाधान किया जाएगा तो न्यायोचित उचित हमारा जो है संघ के संविधान के साथ हमारे सदस्य जो है बिहार के आज के डेटे निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं और आक्रोशित भी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर नहीं होगा तो न्याय के लिए हम लोग विरोध जताने के लिए, जो आपकी सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में जब मेरा योगदान है, हमारी पीड़ा को नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोग काला वीला लगाएंगे। ये मैं बैठा हूँ, निर्णय करके ही बैठा हूँ, बुलाने के पीछे है। मैं जताऊँगा कि मेरी आवाज़ को नहीं, मैं ड्यूटी करूँगा, कर्तव्य पर रहूँगा, लेकिन देखेंगे बिहार की जनता, देश देखेगा कि ये पुलिसकर्मी काला बिल्ला क्यों लगाए हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इनकी पीड़ा को, समस्या को नहीं सुना जा रहा है, ना पुलिस मुख्यालय सुन रही है, ना कोई सुन रहा है। ये भी हम लोग करेंगे, निश्चित करेंगे, ये पर हम लोग आम सहमति बन गई है। बिहार के तमाम सदस्य आज के डेट में, मैं कह सकता हूँ कि आज के डेट में पुलिस मुख्यालय की रवैये से कहीं ना कहीं निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं, कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा है।